जय हो सनातन भट्ट रघुनाथ, दिव्य हो गोपाल भट्टदास रघुनाथ। वो लोग कैसे भजन करते थे, कहते संख्या पूर्वक नाम गान करते, मतलब अपना हरिनाम संख्या पूर्वक, मतलब इंच नंबर हरिनाम करते थे। रोज कोई 1 लाख करता था, कोई 2 लाख करते थे, कोई 3 लाख ठाकुर का नाम करते थे। संख्या पूर्वक पर नाम मतलब गान, गान मतलब अभी जो भजन कर रहे ना, गान कर रहे, कीर्तन कर रहे। ये कीर्तन ये लोग क्या करते थे, और जो कीर्तन में भी बहुत सारी संख्याएं, जैसे पहले जो हमने कीर्तन किया श्री गुरु जी के वंदना किया, उसके बाद में जो कीर्तन किया जितने हमारी गुरु परंपरा है, यदि जो अभी अभी जो ये विद्या मिला है भक्ति, ये भक्ति कहाँ से मिली है। पहले ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी और क्या नारद जी को दिया, फिर नारद जी फिर व्यास देव को दिया, व्यास ने फिर मध्वाचार्य को दिया। यदि जो ज्ञान है ये भगवान से, ये गुरु परंपरा होते हुए अभी हम लोग के पास में पहुँच गया, इसलिए हम सबके सब जाति में रेडी। अगर वो लोग नहीं होते अभी भक्ति पता नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग सब उनके नाम को ले लेकर के प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हमने जो कीर्तन किया है वृंदावन वासी जो वैष्णवर का, जितना वृंदावन में जगन्नाथपुरी में नवद्वीप में जितने सारे संत लोग हुए हैं सब हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि इतना नहीं क्योंकि पहले जो हो चुके और बाद में जितने संत लोग हुए हैं और अभी जितने संत हैं, क्योंकि सबको चरण में हम प्रणाम करते हैं। आप सभी हम लोगों पर में आशीर्वाद करो, हमारे ऊपर कृपा करो, जैसे हम लोग भगवान की भक्ति कर सकें। इसलिए उसके बाद में जो हमने कीर्तन किया कौन सा कीर्तन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करम परे त्वमा बिना के दयालो जगत संसारी। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग ने वंदना किया, बोले हे महाप्रभु हम लोग को परमा कृपा करो। बोले क्यों, बोले जगत में तो सबसे बड़े कृपा करने वाले आप हो, जब जगत में आप आए क्यों, बोले पापियों को उद्धार करने के लिए आए, लेकिन पापियों में हम सबसे बड़ा पापी, हम सबसे बड़ा जगत में सबसे बड़ा पापी हम ही है, इसलिए पहले हमारी परमा कृपा करो, फिर दया करो। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद स्तुति कृपा बलोकन करो हमी करो। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं नित्यानंद प्रभु आज हमारे पर आपका आशीर्वाद हो, कृपा हो, आप तो जगाई माता है जैसे पापी को उद्धार किया, इतने जो पापी है इसलिए हम भी जगाई माता से कम नहीं, हम भी जगाई माता जैसे हम भी पापी हैं। उसके बाद पिछले अद्वैताचार्य को, क्योंकि अद्वैताचार्य नहीं आते तो महाप्रभु कोई नहीं ला पाते, इसलिए इनकी कृपा से महाप्रभु मिले, इसलिए इनके चरण में हम प्रणाम करते हैं। इसलिए जो कीर्तन है ना आप लोग को, जैसे घर में रहते समय यहाँ पर कहा गया हमारे साथ में हो गया, लेकिन अगर आप घर में हो गए तो रोज आना ये भजन को हमें जाननी चाहिए, रोज आना घर में ये भजन करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ हरे कृष्ण, अभी ये निकालो ये अष्टक हम करते हैं ना, अष्टक निकालो कदाचित Thank you.
Thank you.
Yeah.
राम राज्य मतलब क्या है,
ए कहाँ जा रही है? क्या बच्चा बेटा काम का समय में जा रही है, याद रखा सर। इसलिए अच्छी याद रखना, बहुत पढ़ में तो बहुत दिन हो गया, कम से कम कुछ चीज़ें याद रखो, काफ़ी पहले से क्या, ठीक है? तुम लोग नीचे बड़े बच्चे हो, आगे भक्ति बताया तो तुम लोग पढ़ा नहीं, ठीक है ना? इसलिए तृतीयाजु कहते हैं ना, तृतीयाजु मतलब राम राज्य, राम राज्य मतलब जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक कोई दुख कष्ट जहाँ नहीं रह सकता। लोग सब भगवान नाम पशु पक्षियों का भाषा भी प्रभु समझते हैं, मतलब राम राज्य में पशु पक्षी जानवर इंसान कोई दुखी नहीं रहता था, सब के सब सुखी रहते थे। और द्वापर युग में कृष्ण स्वरूप भगवान ठाकुर के स्वरूप स्वरूप का ब्रह्म है द्वापर युग में। लेकिन ये जो युग है, लेकिन ये युग का लोग भी ये कलि युग में जन्म लेना चाहिए। स्वर्ग के देवता लोग भी ना, वो भी कलि युग में जन्म लेना चाहते, बोले क्यों? ये कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और ये चैतन्य महाप्रभु कहते जो ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव ये जो प्रेम के लिए कठोर तपस्या किया महाप्रभु मुक्त हाथों से वो प्रेम को सब लोग लो, ये प्रेम को लो, ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल चार नियम पालन कर लो, हैं शराब मत पियो, बीड़ी सिगरेट गंजा भांग मत खाओ, अवैध स्त्री संग मत करो, और मांस मछली मत खाया करो, जुआ मत खेलो, बस चार नियमों पालन करो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम करो। इसी सहित में इतना दुर्लभ वस्तु मिल गया, इतना दुर्लभ वस्तु, इसलिए ये कलयुग में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते, हो सकता है तुम लोग पहले देवता ही देवता लेकिन देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भागवत का एकादश सत्र में ये बात बता रहे हैं, हो सकता है आप लोग भी तृतीयाजुग सत्ययुग में आए होंगे, जो कि महाप्रभु धारा में जो आए हैं भागवत स्वयं कहता है। इसलिए ये बड़ी सौभाग्य बात व्यक्ति जो भगवान महाप्रभु लाइन में जो आते हैं, इसलिए उनका जो दूसरा कारण था तो जो प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन में बच्चे लोग सब याद रखना, बच्चे लोग सब याद रखना, ठीक है ना, तुम लोग सब याद रखना। इसलिए जो प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन पहले दिए थे कलि युग में आकर के वही प्रेम को उन्होंने प्रदान किया। अच्छा तो महाप्रभु हम लोग महाप्रभु की धारा में है ना, इसलिए इनकी महिमा को हमें समझनी चाहिए। इसलिए वो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने प्रदान किया, वो कौन सा प्रेम है? मतलब राधा रानी की जो निकुंज की सेवा है, जिस सेवा में श्री रघुनाथ दास भगवान कहते हैं, जिस सेवा में ललिता विशाखा जो सखियाँ हैं, राधा कृष्ण जो निकुंज में लीला करते हैं, जिसमें ललिता विशाखा की सखियाँ भी जिस लीला में प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, लेकिन जो राधा जी की आनुगत्य में क्या जो पाल्य राशि रूप में जो वो देखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन है तो छोटे छोटे लेकिन सब समझती हैं, सब समझती हैं। इसलिए ये आसानी से अंदर में प्रवेश करके श्री जुगल सरकार की राधा कृष्ण का जो सेवा हो ये संपादन कर लेते हैं, जो श्री रूपा होकर के भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए उनका जो जगत में आने का ये दूसरा कारण, ये दूसरा कारण है, सब याद रखना एक एक करके, ये दूसरा कारण है महाप्रभु जगत में क्यों आए। अभी तीसरा कारण क्या है? मुख्य का साधारण, मुख्य का जो साधारण कारण उसको याद रखो, ठीक है? मुख्य का जो साधारण कारण क्या है? बोले साधारण कारण है कि जब श्री भगवान आने से पहले उनका गुरु वर्ग लोग आते हैं, गुरु उनको पिता माता चले आते हैं, जैसे कृष्ण आने से पहले जसोदा नंद बाबा आए, देवक वसुदेव आए, उनका सब भक्त लोग पहले आ गए, उसी तरह जब महाप्रभु आने से पहले उनका सारे भक्त लोग आ गए, उनको पिता माता कहकर आए, और एक व्यक्ति आए जो अद्वैताचार्य, ये अद्वैताचार्य कौन है? कहिए सदाशिव, ये महाविष्णु का अवतार श्री अद्वैताचार्य, महाविष्णु सदाशिव का ये अवतार श्री अद्वैताचार्य, इन्होंने आए और इन्होंने आकर के ये जगत का दुर्दशा को देखा। दुर्दशा क्या देखा?
यदि कलयुग में देखा विशेष करके नव उस समय नवद्वीप का जो अवस्था था सब मां देवी को पूजा करते हैं काली देवी कभी कहीं देखो इतना इतने बड़े बड़े काली पूजा होता है ना अब सोच नहीं सकते हो दो तीन मंजिल ऊंचा ऊंचा काली पूजा होता है बड़े बड़े और उनको सामने बलि चढ़ाते हैं बकरी को हैं बकरी भैंस को बलि चढ़ाते हैं और शराब पी करके नृत्य करते हैं हैं इसलिए वहां पर देवी की जैसे यहाँ कृष्ण का रास होता है ना वहां पर देवी की भी रास कराते हैं है? क्योंकि वहां पर ऐसे सब तामसी के लोग हैं सब अड्डस अड्ड खाना और उल्टा पुल्टा सारे काम करना करते थे अगर कोई गीता भागवत पढ़ता भी था उस समय में लेकिन करते थे क्या केवल तर्क वितर्क शास्त्र को लेकर के आपस आपस में जो तर्क वितर्क और बिल्ला बिल्ली कुत्ता कुत्तियों का साथ ही करोड़ों रुपया उसमें खर्चा करते कोई काम धाम तो था इसलिए बिल्ला बिल्ली की दो पार्टी करते थे बिल्ला की एक कुत्ती बिल्ली की एक पार्टी बस उसको शादी करा कुत्ता कुत्तियों की शादी उसमें करोड़ों रुपया उसमें खर्चा करते थे इसलिए कोई सौभाग्य वाले व्यक्ति होते थे जब गंगा स्नान करते थे हम कहते ना जस परे पुंडरीकाक्षम सब आया बेहतर कोई कोई कभी कभी ये पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम कभी कभी ले लेते थे अभी ये जो दुर्दशा को उन्होंने देखा कौन देखा अद्वैताचार्य जी इन्होंने ये चीज को देखा देख कर बोले हे भगवान तुम क्या कर रहे भगवान के नाम भक्ति भक्ति कुछ है नहीं है अंटस अंट खाना गलत रास्ता पर जाना सब यही काम कर रहे हैं ये लोग बड़े दुखी हो गए अद्वैताचार्य ये दुखी क्यों हो गए कारण क्या बोले कारण है कि जो अद्वैत आचार्य की कौन महाविष्णु यदि महाविष्णु कौन है ये महाविष्णु कौन है यदि ये श्री कार्तवसाय विष्णु है तीन विष्णु है कार्तवसाय कर्मदंशाय और क्षीरदंशाय कर्मदंशाय तीन विष्णु तो जो कार्तवसाय इनका क्या काम है इनका काम है जब ये माया को प्रति दृष्टि करते हैं जैसे किसी जगत में देखना पति पत्नी के बगैर बच्चा नहीं होता इसलिए इनका काम जब ये माया को प्रति दृष्टि करते हैं ये माया भवित होकर के जो ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांड नहीं ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि है अनंत करोड़ ब्रह्मांड उसमें और एक विष्णु जिनका नाम गर्भोदय इनका क्या काम है हर ब्रह्मांड में जो शयन करके अपना पसीना की जल से आधा भर लेते हैं और जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मा सृष्टि यदि कौन है गर्भदशाय विष्णु और ये के विष्णु कौन है क्षीरदशाय विष्णु ये क्षीरदशाय विष्णु बोले इनका क्या काम बोले जो क्षीरदशाय विष्णु हर जीव के हृदय में जो परमात्मा रूप में जो बैठे हैं यदि एक अंगुष्ट परिमाण रूप में परमात्मा रूप में सभी के हृदय में जो बैठे हैं ये कौन है क्षीरदशाय विष्णु क्षीरदशाय विष्णु लेकिन जो कार्तवसाय विष्णु का काम क्या ये माया को दृष्टि करने पर अनंत कर्म ब्रह्मांड सृष्टि होता है इसलिए एक तरह से हम उनका संतान क्योंकि जगत को सृष्टि किया देखो जैसे घर का कोई पिता होता है पूर्व भी होता है अगर बच्चे को जन्म दिया अगर देखा बच्चा नालायक बन गया पिता माता खुशी होते है हर पिता माता क्या चाहते बेटा लायक हो नालायक नहीं लायक अगर बेटा तो अच्छे काम धाम करे बढ़िया से लिखाई पढ़ाई करे वो पैसा कमाए ना नाम कमाए इसको देख के पिता बड़ा खुश होगा अरे बेटा अच्छा है अरे नाम किसका होता है बेटा किसका है अरे अमुक का बेटा अरे इतना बढ़िया तो किसका नाम होता है पिता का अरे बेटा अगर नालायक बन गया तो जब भी पिता का नाम होगा पिता माता का नाम होगा इतना नालायक किसका बेटा है अमुक का बेटा है इसलिए कहते जो जो अद्वैत आचार्य हैं कहते ये महाविष्णु ने जगत को सृष्टि किया अगर जगत को उन्होंने सृष्टि किया अगर देखे मैंने तो जगत को सृष्टि किया लेकिन ये बच्चे कर रहे हैं क्या सब नालायक बच्चे सब कोई लायक नहीं क्या मुझे नालायक बन गए भक्ति भक्ति की बात नहीं भजन भजन कुछ करते नहीं और दिन भर क्या करते वो करते कुत्ते सुअर जैसे खा पी करके जीवन को ऐसे बिता रहे हैं इसलिए उनको बड़ा दुख दुखी होकर के उन्होंने देखा
ये जो कलयुग है धन्य कलयुग है इसमें चैतन्य महाप्रभु आने वाले, लेकिन वो विष्णु स्वयं विष्णु है। लेकिन उन्होंने देखा इनको तो कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन में इसको याद रखना, सब कल में तो बोलना मैं देखा तो बोल पाता जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। महाप्रभु जगत में क्यों आए नक्षत्र, इसलिए इन्होंने देखा कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, हरिनाम जगत में प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन ये कलयुग धन्य कलयुग है, इसी कलयुग में महाप्रभु आएंगे और वो दुर्लभ ब्रज प्रेम है, तो दुर्लभ ब्रज प्रेम को प्रदान करेगी, जो प्रेम को किसी ने नहीं दिया। और ब्रह्मा का एक दिन पहले वो प्रेम दी गई थी, फिर कलयुग में फिर ये प्रेम दो बार जगत में महाप्रभु आकर के दे सकते हैं। ये काम को मैं नहीं कर सकता, मैं जगत में तो हरिनाम को प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन ये राधा रानी की जो निकुंज का जो सेवा है ये सेवा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, जिसको ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस सेवा के लिए तरसते हैं, ये चीज मैं नहीं दे सकता हूँ। ये चीज तो मेरे प्रभु श्री सच्चिदानंद गौर हरि के प्रेम को दे सकते हैं, प्लस सच्चिदानंद गौर हरि की जय, प्लस सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए कहते हैं ये प्रेम को वही ये प्रेम को दे सकते हैं। इसलिए अभी वो सोच रहे हैं मैं उनको जगत में अवतीर्ण कैसे कराऊं, उनको अवतीर्ण कराने का सबसे सरल उपाय क्या। और कभी कभी उनका क्रोध भी आता था, जैसे कोई बच्चा अगर नालायक की वजह पिता क्या करता है थप्पड़ मारता है, मतलब बेटा तेरे को जन्म दिया लिखाया पढ़ाया तो नालायक हो गया, क्योंकि थप्पड़ मारते हैं ना है, बच्चे को मारते हैं। इसी तरह कभी कभी किसी के मन में भी आता था कि सोचते थे अगर बच्चे अगर नालायक हो गए ना पिता माता को दुख होना है, इसलिए वो सोचते थे भैया ये अगर कोई भजन नहीं करेगा तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर के ये सब को मार डालूंगा है, ये सब को मैं मार डालूंगा है, कभी क्रोध होता था इनको मार डालूंगा। फिर इन्होंने देखा फिर भगवान को हम इसी जगत में कैसे अवतरण करा सकता हूँ, इसका कोई सरल उपाय है, तो उन्हें सारे शास्त्र को ढूंढा, शास्त्र को ढूंढते ढूंढते उनके एक श्लोक मिल गया, जो श्लोक सुनकर अपने खुश हो गए, वाह बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्या है मतलब जल तुलसी दल मात्र तुलसी श्लोक की बात विकृति का सा आत्मा भक्तव का भक्तवत्सव, इसका मतलब है भगवान कहते हैं अगर कोई गंदा पानी है एक गड्ढा से गंदा पानी है और उसमें एक तुलसी पत्ता दे दे और पत्ता दे करके ठाकुर जी को अर्पण कर दे, ये तुलसी पत्ता डाल और ये गंगा पानी में इतने सच दिए, गंगा पानी भगवान के चरणा अमृत है, ठाकुर जी की चरणा अमृत, इसमें इतने सच की चरणा अमृत में गंगा पानी और क्या तुलसी तुलसी दल है ना, तब भगवान खुद को खुद वहां पीक देते हैं। आप लोग ने कथा सुने होंगे एक समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी हुआ है, जिस समय भगवान कृष्ण अपना परिवार को साथ में भगवान कृष्ण द्वारका से आए थे और सारे ब्रजवासी भी कहां पर पहुंचे थे कुरुक्षेत्र में, नियम है सूर्य ग्रहण के बाद में वहां पर कुंड है ना ब्रह्म कुंड में वहां पर स्नान करके सबके सब साधु संतों को दान करते हैं। अभी कृष्णा ब्रजवासी सबके सब वहां पर आए द्वारकावासी, अभी सबने सब स्नान किया, स्नान के बाद में दान पुण्य करते हैं, इतने में नारद भी वहीं पर आए थे, इतने में नारद भी रुक्मिणी सत्य भगवान को बोले देखो नियम है ये ब्रह्म कुंड में नहाने का बाद दान पुण्य सब लोग करनी चाहिए, ऐसे नहीं घटिया चीज दान नहीं करनी चाहिए, ऐसे जो नोट चलता नहीं घर में अटकते करते भाई इसको लेकर के हम दे दे उसको ही साधु संत को दे दे, जो चीज खाते नहीं जो चीज नहीं पहनते उसको क्या करें जा करके बस वैष्णव को वही चीज दो, नहीं वैष्णव को कौन सा चीज दो सबसे बेस्ट सबसे उत्तम बढ़िया चीज दो। नारद जी बोले रुक्मिणी सत्य भगवान को बोले ठीक है बोले तुम्हारी सबसे बेस्ट बढ़िया चीज क्या, बोले हमारा तो हम कृष्ण को ही सबसे ज्यादा प्रेम करते कृष्ण ही हमारा सब कुछ है, बोले भैया फिर तो दान दो नारद जी को दान दो,
तो उन्होंने कृष्ण को मैंने संकल्प करके दान दे दिया। किसको दान दे दिया? नारद जी को। जब नारद जी को दान दिया बोले देखो तुम लोगों ने मेरे को कृष्ण को दान दिया, मैं तो पकड़ बाबा बस अब इसका कूड़ बुढ़ा करके छोटी कर करके तिलक जला कर कटनी और उसको गौरी की वस्त्र पहना कर बाबा जला कर लेगा। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये तो हमारी जीवन है, इनको तो इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं। बोले तुम लोग मेरे को दान दे दिया ना, तब मैं संत हूँ, संतों को दान देना तो सत्य ही बनेगा ना, इसलिए हमको बाबा जी बना कर ले जाना। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। बोले अगर इसको वापस लेना चाहता हूँ कहीं काम कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले इनके बराबर सुवर्ण दान दे करके आप उसको वापस ले सकता हूँ। बोले हाँ ये तो कर लेगा, हाँ ये कर लेगा। तब तराज में गए, कृष्ण को एक तरफ से बैठा है, बैठा कर पहले स्थिति आए ना, कितने सोना चांदी पहनते थे आपको पता है? आप सोच नहीं सकते कि पूरा पैर से लेकर ना सर तक, यहाँ के नाक में कान में गले में हाथों में एक एक माता है, पांच पांच दस दस किलो अपने माँ को देखा, अपने भैया को देखा, चांदी की इतने मोटी मोटी और यहाँ पर इतने मोटी है। अब पहले इसको पहनते थे सोने किलो पहनते थे, दस दस पंद्रह बीस बीस किलो पहने। अभी भगवान की बटरानी पूरा शरीर में सर से लेकर पैर तक एकदम पूरा हीरे जवाहरात से रुक्मिणी सत्यम अमृत लक्ष्मी साक्षात है ना। इतने में एक तरफ में बैठा करके रुक्मिणी सोच रही थी मेरे शरीर में जितने अलंकार है ना और कृष्ण से ज्यादा भोजन हो। कृष्ण के एक तरफ में बैठा है, दूसरे तरफ में सारे अलंकार रख दिया, लेकिन भगवान के बराबर कुछ हो सकता है? विश्व जिनका नाम विश्व भर है, विश्व ब्रह्मांड को जो धारण करने वाले जो विराट रूप जिनकी, उनके बराबर कुछ कर सकते हो? लेकिन जब दूसरे तरफ में रखा ना दस से बस ही नहीं कृष्ण, अभी उनको तो चक्कर में पड़ेगी, अभी क्या होगा? तो इधर उधर झांकने लग गए, वहां सत्य बाबा थी मुझे समझ गई इनकी शरीर में जो अलंकार अभी पूरी नहीं हो रहे, वो भी सारे उतार करके वो भी रख लिए, लेकिन कभी कृष्ण दस से बस नहीं लिए। मैं दूसरे तरफ पर झांकी, वहाँ पर कालिंग भी थी, वो समझ गए, वो भी उतार कर रख लिए। बोले वो भी नहीं, फिर विक्रमादित्य लक्ष्मणा एक एक करके सारे अलंकार रखते गए, लेकिन कृष्ण से दस से बस नहीं हुए। नारद बोले भैया ठीक है तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, बस उसको तो मैं बाबा बना कर ले जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं रुक जाओ। बोले कृष्ण का 16,100 पटरानियाँ थी, सारे को सारे अलंकार एक तरफ रख दिया, लेकिन कृष्ण के बराबर नहीं हो पाए। बोले भाई क्या किया? उनको पता चला यहाँ पर श्री राधा रानी आए। बोले भैया चलो श्री राधा रानी की शरण में जाएंगे, राधा रानी कुछ कर सकती है, राधा जी की शरण में गए सारे बात बताए। तब श्री राधा रानी आई, बोले इस सब चीज को हटा दो यहाँ से और एक तुलसी पता लेगा, और तुलसी पता में अपना आंखों का आंसुओं से कृष्ण नाम को लिख करके जब उन्होंने तराजू का एक तरफ में रखा है ना, और रक्त ही कृष्ण एकदम हल्का होकर के एकदम ऊपर उठ गए, और जिधर कृष्ण नाम तुलसी पत्र रखा वो एकदम नीचे दब गया। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदादेवी की जय, श्री कृष्ण नाम की जय, हरि से बड़ा हरि का नाम। और तुलसी ये वृंदा ये तुलसी देते ही प्रिया ये केशव सच कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। इसलिए ये तुलसी में इतने काम है जो भगवान को भी हल्का कर सकते हैं, भगवान को भी हल्का कर सकती है। इसलिए अद्वैत आचार्य जब उन्होंने तुलसी पत्ता और उन्होंने गंगा पानी दे करके भगवान के आह्वान किया, भगवान खुद कहते हैं सुतिया अक्षत की समुद्र सागर है निद्रा भस्म है लमोर नड़ा उठा है। मैं तो गोलोक वृंदावन में सो रहा था, लेकिन ये जो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, मेरे आसन को उसने हिला दिया, मेरे आसन को। भगवान कहते हैं अगर तुलसी पत्ता गंगा पानी कोई दे दे ना, उसका रेणी से मैं मुक्त पाने के लिए मैं अपना सर खुला देता, सर का खुला देता। बहुत ज्यादा ऋणी जब हो जाए है, जब किसी तरह से ऋणी नहीं चुका पाते हैं सर खुजलाते, भैया उसका ऋणी आप कैसे चुकाए, उसका ऋणी। इसलिए भगवान
कितने ऋणी बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, यही दो चीज को लेकर उन्होंने भगवान का आह्वान किया। इसलिए इनकी वजह से श्री सच्चिदानंद गौर हरि इस जगत में आए। इसलिए इनका एक नाम है गौराना ठाकुर, गौराना ठाकुर मतलब जिन्होंने श्री महाप्रभु को जगत में ले करके आए है। इसलिए उनका जो तीसरा जो कारण है, इनकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए। और इनकी वजह से इसलिए हम भजन गाते ना, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बल पाई चैतन्य रिताई। अब हम सबको पर कृपा करो, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं आते, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं आते तो हम उनको थोड़ी पा सकते थे, उनको नहीं पा सकते थे। इसलिए आपकी कृपा से हमने महाप्रभु को प्राप्त किया। और ये प्रेम को महाप्रभु बोले बर मांगो, हमसे बर मांग लो। देखो तुम्हें क्या बर मांगे, आज जो बड़ो तुम्हें भक्ति आ रही हो, अजय हम लोग भी मैं भी जहाँ पर है ना सोच भी नहीं सकते किसी गांव के कोने में है, एकदम गांव की। और यहाँ पर सब जगह अलग अलग जगह में अलग अलग लोग सब आए, ये गाँव उड़ीसा के, ये गाँव के हरियाणा के, और हम लोग कहाँ के, और वृंदावन के, कहाँ कहाँ से सब लोग कहाँ से आकर के वृंदावन ब्रजवास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। कितनी कृपा से महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बोले बर मांगो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने देखो क्या बर मांगो, प्रभु जब आप बोल रहे हो बर मांगो, मेरे को एक ही वरदान दो। बोले क्या है, आप जो प्रेम देने के लिए आए हो, आपको तो विचार नहीं करना, अरे ये ब्राह्मण कुल के, ये सुंदर जाति के, ये वैश्य जाति के, ये अमुक देश के, ये सब विचार नहीं करना। क्योंकि जो जीव है सब तुम्हारे दास है, जीव कौन है, हम सब भगवान की संतान है, हमारे सबको बराबर अधिकार भक्ति में हमारी। इसलिए बोले जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजन तो हरि का होई, भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। जय भज सही बड़ा अभक्त ही विचार, जो भजन करता है वो बड़ा है। इसलिए कृष्ण भजन नहीं जाती गुलादी विचार, कृष्ण भजन जाति का कोई विचार नहीं, हम एक ही भगवान की संतान है। इसलिए ये प्रेम को कौन सा प्रेम, ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जो प्रेम को प्रार्थना करते हैं, वो प्रेम आप सब जीवों को ये प्रेम प्रदान करना, बराबर रूप में ये प्रेम सबको देना। तो महाप्रभु कथा से बोले, इसलिए अद्वैत आचार्य ने बर प्रार्थना की थी, महाप्रभु ने इनकी वरदान दिया है, इसलिए इनकी कृपा से आज हम लोग कटी माला तिलक लगा करके ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं। इनकी वजह से ये अद्वैत आचार्य प्रभु की वजह से। बोले श्री अद्वैत आचार्य की जय, बोले श्री सीतानाथ की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले एकादश सिद्धि की जय, पिताजी गौर ब्रह्मा हरे हरि बोल। Thank you.
जय हरि हरि बोल। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय।